सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डेली मोशन। मैं हूं आपके साथ पुलक, दोस्त और होस्ट। सो फ्रेंड्स, आपने अगर हम लोगों का जो दीघा ब्लॉग था, दीघा कोलकाता शूट, दीघा टूर था, वो आपने देख लिया तो बहुत अच्छा है। तो आपने जरूर लाइक किया होगा और कमेंट किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज आई बटन से आप लोग दीघा ब्लॉग देख लीजिए और लाइक कमेंट, एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं करता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको लेके चलेंगे उदयपुर, जो कि वन ऑफ द फेमस शूटिंग स्पॉट है यहाँ का, वेस्ट बंगाल का। सो हम लोग वहाँ पे आपको लेके चलेंगे और आवर रूम कंडीशन आपको दिखाते हैं। ओके, दिस इज आवर रूम कंडीशन। ओके, आप देख सकते हो हम लोग बहुत ही हल्ला मचा हुआ है यहाँ पे। और दिस इज सौरव। ओके, ये तो सारा दिन साला सोते रहते हैं पावर सेविंग मोड में। ओके ओके ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज माय ट्राइपॉड एंड दिस इज माय ऑनर 6X मोबाइल, जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करता हूँ ऑल द शूटिंग्स। अमरावती पार्क, इस पार्क को देख के लगता है मैंने व्यू बहुत अच्छा है। गिव अस 5 मिनट, यू विल सी द व्यू। सो ये किसी से साइंस सिटी और मेरे को निको पार्क से कुछ कम नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे रोपो दिख रहा है आपको। ओके, अमरावती पार्क इज वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन राइट नाउ एट दीघा। अ स्मॉल पार्क विद अ मिनी लेक एट द सेंटर, just about the perfect place for a visit with kids, family and loved ones. Ropeway. Perfectly organized area with ropeway, boating across an artificial lake, well-maintained garden with various type of flower across the park is very neat and clean. সিট চেঞ্জ করবে না, উঠে দাঁড়াবে না। সো উই আর উই হ্যাভ এন্টার দ্য রোপওয়ে। হ্যালো মা। ওকে, দিস ইজ আ ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স অন রোপো ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। বাবা কোথায়? ক্লাস। ऐसा लग रहा है हम लोग सिंगापुर या कश्मीर में हैं। ऐसा ही कुछ इनका इंडोर कंडीशन और आउटडोर कंडीशन, आउटडोर लुक्स है। ओके, is the half of the ropeway and the light condition is quite low. Shape of you is great. Hello. Okay. Please YouTube, don't accuse any kind of copyright because of shape of you. Our next plan is to have a boat riding. Okay. Bhai, possible hai na bhai? Haan, possible hai. हम लोग इतना मस्ती कर रहे हैं, हम लोग को बता नहीं सकते। ओके, और जो हम लोग का दोस्त है वो लोग कुछ टिकट विकेट खरीदने गया है और रिजर्वेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। टुमारो विल लीविंग फ्रॉम दीघा टू कोलकाता। फ्रेंड, दिस इज नॉट मोटर बोट, दिस इज पैडल बोट। ओके, वेल, इफ यू गो टू दीघा एंड मिस द अमरावती पार्क, then it is a very unlucky for you. This place is specially designed for visitors with lot of surprise. So I am recommending you, don't miss it. ऊपर है चांद मामा और नीचे है काला पानी। सो बहुत अच्छा लग रहा है। रात के समय में मैं कभी नहीं बोटिंग किया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोटिंग कर रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ। ओके, आई एम अ लाइट मैन। ओके, सो लाइटिंग कंडीशन इज वेरी पुअर, सो इसलिए दो फ्लैश हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ रहा है।
It's very awesome, guys. It's very enjoyment thing that for my life. This, I think this is a first ride with your friends, right? Yeah. First travel. After graduation. Just 5 minutes distance by Toto or Rita from New Digha to Old Digha. And right now we are going towards the Old Digha. So, मैं और शोरा भी यहाँ पे खड़े हैं और पीतम गया है कुछ पैसे उठाने के लिए एटीएम में. तो आते ही हम लोग इस पे चलेंगे. So far, so good. तो गाइस हम लोग ओल्ड दीघा में थोड़ी देर पहले आ चुके हैं. तो न्यू दीघा में लास्ट टाइम हमने पानी पूरी किया था, बहुत ही स्पाइसी तीखा वाला था. और राइट नाउ वी आर क्वाइट बिट हंग्री. तो एटीएम कार्ड से थोड़ा बहुत पैसे निकाल लिए हैं और द्रौपदी एक नाम का एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट में हम है और देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं. मेरे दोस्त पूरों के हिसाब से रोटी अच्छा होगा. क्या है भाई? हाँ, हम लोग तीन हैं इसलिए 6 रुमाली रोटी ऑर्डर दे दिया, एक तड़का और एक पनीर बटर मसाला. ओके, दैट्स इट. आएगा तो हम लोग दिखाएंगे. ओके, खाना कैसा होता है? If you want to eat seafood like crab, various type of fish, etc., go to the market and buy from street food stalls. Old Digha beach is not used to perfect bath because due to heavy soil wasting, big stones are used by step and hold together the beach. It is one of the very popular beach in West Bengal. It gets overcrowded especially during the winter vacation. So friends, मैं अभी बारिस्ता कॉफी चीनो के सामने हूँ. ओके, आप देख सकते हो. और रात के डिनर के लिए प्रीतम और सौरभ ने प्लान बनाया कि हम मोमो खाएंगे. ओके, सो पैक करने के लिए उन लोग यहाँ पे गया है और मैं यहाँ पे बैठे हूँ अकेला. और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है. और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हैंग आउट करना है तो बेस्ट प्लेस है, आपको यहाँ पे आके आप एक दो दिन के लिए हैंग आउट कर सकते हो. ओके, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है कलकत्ता से, आप आ सकते हो. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन योर थॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब दैन इट विल बी ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ब्लॉग करता रहूँगा. आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. प्लीज़, अगर अब तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं मेरे वीडियोज़ पे, मेरे चैनल पे आप देखो एक बार. ओके, हम लोग का है पैसा वो देगा और प्रोडक्ट हम लेंगे. ओके, अभी चले जाती. दिस इज द प्रोडक्ट. बहुत ही टेस्टी है भैया, बहुत ही टेस्टी. राइट नाउ द टाइम इज बैक फ्रॉम दीघा टू कोलकाता. It's a wonderful journey and also a documentary. I hope you guys enjoy this full video because as much as I did.
This vlog is all about me, PP and Saurabh going to around Amravati Park, Old Diga Beach, etc. I am sharing my experiences about on my vlog. Okay, so thank you for watching this video. Do like, share and comment and subscribe my Dailymotion channel. Bye bye and take care. और मेरे साथ प्रीतम है और सौरभ है बोटिंग में भी और ये दोनों लाइट दे रहे हैं. ओके ठीक है रिकॉर्डिंग चलते थे बॉय लगे भाई. ठीक है जी. सो गाइस आफ्टर कमिंग टू ओल्ड लीगा लास्ट